Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So till now we have discussed about, in the last class we have discussed about some terrestrial habitat like desert, mountain region and grassland. Now we will talk about some aquatic habitat, that is ocean, ponds and lakes. So let's start with ocean. We have already discussed how fishes are adapted to live in the sea. Many other sea animals have streamlined body to help them move easily in water. There are some sea animals like squids and octopus which do not have streamlined shape. So हमने ये चीज़ डिस्कस करी, आपने प्राइमरी क्लासेज में भी ये चीज़ डिस्कस करी होगी कि जो फिशेज़ हैं वो तो अडप्टेड है सी के लिए, ठीक है, वो तो उनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उनके काफ़ी सूटेबल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गिल्स हैं, ये है वो है. बट जो काफ़ी सारे अलग एनिमल्स हैं, जैसे स्क्वर्ड हो गया, और आपने देखा होगा आप स्टारफिश अगर देखी होगी तो वो स्टार शेप की होती है, उसकी तो स्ट्रीमलाइन नहीं है. ऑक्टोपस है, उसकी स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड्स देम. जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, जैसे ऑक्टोपस हो गया, स्क्वर्ड हो गया, ये क्या करते हैं, ये ओशन के बिल्कुल डीप, मतलब जो डीप सी बेड होता है ना, उसके अंदर वहाँ रहते हैं, ठीक है. अब वो क्या करते हैं, वहाँ पे रहने की वजह से जैसे ही वहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म आता है या कोई प्रे आता है तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं, ठीक है, वो उनका फूड होता है. हाउएवर दे मूव इन वाटर, दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन. जब वो मूव करते हैं, ठीक है, जब ऑक्टोपस या वो स्क्विड मूव करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन में शेप कर लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से मूवमेंट कर लेते हैं. दीज एनिमल हैव गिल टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जैसे फिश है, ठीक है, फिश के पास भी गिल्स होते हैं, वैसे ही सेम इन दोनों स्क्विड्स और ऑक्टोपस के पास भी गिल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो वही यूज़ करते हैं, ठीक है. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक्चुअली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ओशन के, तो हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे. तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ओशन लाइक ऑक्टोपस के, कि वो कैसे अडप्ट करता है. तीन अडप्टेशंस होते हैं. एक कि उनकी बॉडी, उनकी जो, उनमें तीन अडप्टेशंस होते हैं. फर्स्ट कि वो बहुत ज़्यादा डीप रहते हैं सी ओशन में, सी जो सी बेड होता है वहाँ पे रहते हैं, और जो भी प्रे आता है या कोई ऑर्गेनिज्म आता है उसको पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं, ओके. सेकेंड वो लोग ये करते हैं कि जब वो मूव करते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, वो अपनी बॉडी को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन शेप हो जाता है, जिसमें वो मूव करने में ईजी रहता है. एंड थर्ड, दे हैव गिल्स. गिल्स मीन्स जो, जैसे फिश होती है वैसे ही उनके भी गिल्स होते हैं, जो कि उनको ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होती है उसको यूज़ करने के काम आता है, ठीक है. देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स. तो जो डॉल्फिन वगैरह होते हैं उनके गिल्स नहीं होते हैं एक्चुअली में. दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर साइड ऑफ देयर हेड. जो डॉल्फिन होती है या जो व्हेल होती है, उनके क्या होते हैं, गिल्स नहीं होते. तो वो लोग कैसे ब्रीद इन करते हैं, उनकी या तो नॉस्ट्रल से या ब्लो होल से. ब्लो होल और नॉस्ट्रल से दो होते हैं जहाँ से वाटर, सॉरी, जो एयर होती है वो ब्रीद इन करते हैं, ठीक है. वो एक्चुअली में कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, उसका जो हेड होता है उसके ऊपर की साइड, ठीक है. दिस अलाउज देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर. तो ये जो नॉस्ट्रल्स होती है कैसे हेल्प करता है, ऑब्वियसली सर के ऊपर है तो वो हल्का सा सर बाहर निकालेंगे, एयर अंदर लेंगे, दे कैन गो डीप इनसाइड. सो जो डॉल्फिन और व्हेल होती है वो बाहर आती है और अंदर जाती है, बाहर आती है और अंदर जाती है, वो इसी वजह से क्योंकि उसको अंदर सांस लेना होता है, ब्रीद इन करना होता है, ठीक है. दे स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. दे वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डॉल्फिन और व्हेल्स की हम बात करें, एक्चुअली में वो पानी के अंदर चले जाते हैं और काफ़ी टाइम तक पानी के बिना ब्रीदिंग के पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि गिल्स तो होते नहीं है जो पानी के अंदर वो ब्रीदिंग कर सकें, तो उनको वापस सरफेस पे आना पड़ता है. लेकिन काफ़ी टाइम तक वो अपनी ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हैं पानी के अंदर, ओके. दे कम आउट ऑफ द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर. उनको कुछ स्पेसिफिक टाइम में बाहर आना ही पड़ता है, पानी से, पानी के ऊपर या पानी के बाहर आना ही पड़ता है सांस लेने के लिए, ठीक है.
डू यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन लाइक ओशन लाइफ? तो हमने ये चीज़ देखी कि डॉल्फिन्स बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं एनिमल्स की. पहली बात तो जैसे कई सारे शोज़ होते हैं जिसमें डॉल्फिन ऊपर जाती है एंड देन बॉल के साथ खेलती है एंड देन डीप इनसाइड. तो डॉल्फिन बाहर ही इस वजह से आती है कि उसे ब्रीद इन करना होता है, ठीक है, एयर ब्रीद इन करनी होती है. तो ये कुछ ऐसे वो शोज़ में आपने देखा होगा, कुछ फिल्म्स में देखा होगा ओशन लाइफ पे जो भी बेस्ड होती हैं. सो अब हमने ये बात कर ली ओशंस में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन जैसे ओशन में रहते हैं ऑक्टोपस, स्क्वॉड, वेल्स एंड डॉल्फिन. हमने इन चारों के बारे में बात करी है, ठीक है. अब वील टॉक अबाउट पॉन्ड्स एंड लेक्स. ओके, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? सो ऑन फील्ड ट्रिप नियर field trip to a near pond if possible and try to observe kind of plants that are seen there. So अब आपको क्या करना है, basically आपने ये चीज़ देखी होगी काफ़ी सारे oceans में, rivers में या infact drains में जो नालियाँ होती हैं उनमें भी कुछ ऐसे plants grow हो जाते हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो कोई एक नियर बाय पॉन्ड हो उस पर ट्रिप पर जाइए. जैसे आप अजमेर में रहते हो तो आप आनासागर जा सकते हैं. आनासागर में काफ़ी से ऐसे पेड़ या ग्रीनरी है जो पानी के बीच में है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं. फाइंड सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉयल बिलो द वाटर. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो तो पानी के अंदर जो सॉयल होती है उसके अंदर फिक्स रहती है, ठीक है. और इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उसमें हमने डिस्कस कर लिया रूट का क्या काम होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ये सब सॉइल में से. लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो दे हैव मच रिड्यूस्ड साइज. जो उनकी रूट्स होती है उनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है. उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो पेड़ को रोक सके, ना कि पेड़ में से कुछ अब्जॉर्प्शन या ऐसा. मेनली उनका फंक्शन है कि पेड़ को होल्ड कर सके, क्योंकि पानी बहता रहता है, ठीक है, पानी फ्लो करता रहता है. तो उस फ्लो के साथ कहीं प्लांट ही फ्लो नहीं हो जाए, इस वजह से वो रूट्स का ये काम होता है कि वो उस प्लांट को एक प्लेस पे होल्ड करके रखें. द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. जो इनकी स्टेम होती है उन प्लांट्स की, जैसे जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें क्या होती है, लंबी होती है, क्योंकि पानी के बीच में रूट्स मिट्टी में हैं, ठीक है, ये पानी है, ये सॉइल है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेम चाहिए, इसलिए लॉन्ग होगी और उसकी जो हॉलो होगी, ठीक है, लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. लाइट इस वजह से ताकि वो अगर हैवी होगी तो पेड़ को ऊपर ही नहीं ले जा पाएगी, उसे नीचे गिराएगी, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए. द स्टेम ग्रो अप टू देयर सर्फेस ऑफ वाटर व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. जो स्टेम है वो पानी के अंदर ग्रो होती रहती है, ठीक है, और सर्फेस तक आती है, वाटर के सर्फेस तक ग्रो होती है. और जो लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, वो सब पानी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर. ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट आर अंडर वाटर. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रबर लाइक लीव्स. अब ये जो एक्वेटिक, अब हमने ये चीज़ देख ली कि एक एक्वेटिक प्लांट जो पानी के ऊपर रहता है उनके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे अडॉप्ट करते हैं. उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि उनमें नैरो और थिन पूरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे पार्ट्स तो उसके पानी के अंदर होते हैं. सेकंड चीज़ जो होती है उसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, रिबन लाइक, पतली पतली रिबन लाइक होती है, इस तरीके से. हमारी जो होती है वो छोटी होती है लेकिन ये रिबन लाइक होती है, ठीक है. दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर. इन सम समर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाई डिवाइडेड थ्रो विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम. अब क्या चीज़ है ये लीव्स रिबन शेप होने का मतलब क्या है, क्यों हुई है ये? इसी वजह से हुई ताकि वो एक तो पानी के साथ बेंड हो सकती है. तो ये सारे अडेप्टेशन लीव के इसी वजह से हुए कि पानी का फ्लो होता है ज़्यादा. अगर पानी का फ्लो ज़्यादा हुआ और लीव्स नॉर्मल हुई, मतलब टफ लीव्स हुई, तो क्या होगा, वो पानी उसको डैमेज कर देगा, ठीक है. लेकिन अगर वो इस तरीके से हुई कि वो पानी के साथ बेंड हो जाए या फ्लो करे पानी के साथ, तो उससे क्या होगा, पानी उसको डैमेज नहीं कर पाएगा और इससे वो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है. तो हमने प्लांट में भी दो अडेप्टेशन पढ़ी, एक प्लांट जो ऊपर रहता है पानी के सरफेस के ऊपर, एक जो सरफेस के नीचे रहता है, ठीक है.
फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड. फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज मूव ऑन लैंड. जो फ्रॉग होता है वो यूजुअली पॉन्ड्स में रहता है, ओशंस में नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता, वो यूजुअली पॉन्ड्स में रहता है. फ्रॉग क्या करता है, पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. इनके क्या होते हैं अडेप्टेशन, इसके जो पीछे के दो पाँव होते हैं, जो बैक साइड के पाँव होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न ये है कि वो लीप कर सके, कूद सके. ठीक है, अगर उसके पीछे के पाँव स्ट्रॉन्ग ही नहीं होंगे तो वो कूदेगा कैसे. कूदने के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए ताकि वो कूद के प्रे को पकड़ सके उसका. जैसे अगर मान लो कोई छिपकली हुई या कोई ऐसा ग्रास हॉपर हो गया या कोई ऐसा जानवर हो गया जो फ्रॉग का खाना है, तो वो एकदम से कूद के उसको खा सके. ठीक है, दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर. लैंड के ऊपर खाने का अडेप्टेशन कैसे हुआ कि पीछे के लेग स्ट्रॉन्ग है, और पानी के अंदर कैसे हुआ, उनके जो अगर आप देखेंगे वेब्ड मतलब क्या होता है, ये उसकी फिंगर्स होती हैं और इस फिंगर्स के बीच में यहाँ पे स्किन होती है, इस तरीके से यहाँ पे स्किन होती है. ठीक है, ये इस तरीके से बना होता है, ये बीच में स्किन होती है यहाँ पे. ठीक है, ये इस वजह से होती है ताकि स्विमिंग में हेल्प करे. आपने ये चीज़ देखी होगी जो स्विमर्स होते हैं वो पाँव में नीचे पीछे के जो उनके पाँव होते हैं उस पर फिन्स टाइप कुछ पहनते हैं. ठीक है, ऐसे वेब भी होता है, उसके बीच में स्किन होती है, इस टाइप का कुछ पहनते हैं ताकि वो पानी में तैर सके. इसी वजह से फ्रॉग के भी अडेप्टेशन होती है कि उसके भी लेग में पीछे की साइड ये वाला सिस्टम होता है, वेब्ड सिस्टम. वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. अब हमने ये चीज़ अभी आपके कोर्स में जितना है हमने वो डिस्कस किया, लेकिन काफ़ी सारे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट होते हैं, जो अलग अलग अडेप्टेशन में सर्वाइव करते हैं. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट अराउंड यू. अपने काफ़ी सारे वेन यू प्रिपेयर हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ सजेस्टेड एक्टिविटी इन क्लास 7 अब आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने काफ़ी सारे चैप्टर 7 अगर आपने स्टडी किया होगा तो उसमें एक एक्टिविटी है हर्बेरियम वाली, जिसमें आपको हर्बेरियम से सारा रिलेटेड वर्क है. उसमें आपने ये सारी चीज़ें नोटिस करूँगी कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपके पास ऐसे हैं, बहुत वैरायटी है प्लांट की, मेनली प्लांट्स की. इतनी वैरायटी है आपके आसपास प्लांट्स की, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कौन सा है और ये कौन सा है, यानी कि हमें नेम्स भी शायद नहीं पता होंगे. इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द अर्थ. अब हमने जो देखा है, जो सेवन्थ चैप्टर में हमने एक्टिविटी करी है, वो हमारे आसपास के सारे प्लांट्स वगैरह की एक्टिविटी करी है, हर्बेरियम बनाए. लेकिन आप एक चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो आप जो लीव्स वाला एक्टिविटी है, अगर वो पूरे अर्थ की लीव्स आपको दे दी जाए और उसका हर्बेरियम आपको बनाना हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी वैरायटी की तो सिर्फ लीव्स ही होंगी. प्लांट्स की बात अलग है, एनिमल्स की बात अलग है, सिर्फ लीव्स कितनी वैरायटी की होंगी. एक प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हो सकती है, वेरिएशंस हो सकते हैं. तो इमेजिन करिए कि इतनी वैरायटी है आपके आसपास में. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड. Now we'll start a new topic which is characteristics of organisms. Okay, in the next session we'll complete this topic also, and I hope you are completing your work in your copy daily. I'll be checking your copy. Till 4th you should complete your work, and I'll be sending you some notes today regarding the same habitat and all. So do read it. Till then, have a nice day. Thank you.